कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रिव्यू लाई हूँ वो स्टडी से रिलेटेड है। जैसे कि हमारे बच्चे अगर 8th, 9th और 10th में हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी और मैं पूरी जानकारी दूंगी इस बुक के बारे में। इससे बच्चे फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपको ये जो बुक्स है वो मैं आपको बताती हूँ, उसके पूरे रिव्यू बताती हूँ क्या है और कहाँ से लेनी है, कैसे लेनी है। और ये वीडियो आप एंड तक देखिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। ये मैंने जो बुक मंगाई है मेरे बेटे के लिए 8th स्टैंडर्ड के लिए है, तो वो मैंने अमेजोन से मंगाई है। और ये जो बुक्स है ये आपको लोकल शॉप में भी आपके यहाँ मिल जाएगा। और ये जैसे कि हमें अगर सेकेंड हैंड चाहिए तो सेकेंड हैंड में भी ये बुक्स मिलती है और ये हमें हाफ प्राइस में मिल जाती है। और सेकेंड हैंड बुक जैसे हम हाफ प्राइस में लेते हैं और हमारा बच्चा 1 साल पढ़कर और फिर वो बुक्स रिटर्न करेगा तो भी उसे अगर सेकेंड हैंड बुक्स पे उसे 40% रिटर्न आएगा। यदि हम न्यू बुक लेते हैं और उसे रिटर्न करेंगे तो हमें 60% रिटर्न आता है। बट मैं जहाँ रहती हूँ मुझे मतलब उतने शॉप्स की जानकारी नहीं है तो मैंने अमेजोन से लेना ज़्यादा अच्छा समझा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ, मैं बताती हूँ देख करके ओपन करके कि ये बुक्स कौन सी है। सबसे पहले बुक है जो कि मैंने 8th स्टैंडर्ड के लिए साइंस की बुक ली है और इस बुक का नाम है फुल मार्क्स बुक का नाम है। और ये देखिए 8th स्टैंडर्ड के लिए ये जो बुक्स है वो सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में मोस्टली देखिए तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसे एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं वो काफी घुमा फिरा कर होते हैं, डायरेक्टली तो होते नहीं है, बच्चे हमारे टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं बट कोई भी एमसीक्यूज क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं तो वो घुमा फिरा के आते हैं, ट्विस्ट करके आते हैं। तो वो जो ट्विस्ट करके जो क्वेश्चन एमसीक्यूज क्वेश्चन बने हैं वो फुल मार्क्स के बुक में बनी हुई है। और शॉर्ट क्वेश्चन ये काफी हेल्पफुल होगा शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम हमारे स्कूल की जो भी नोटबुक है क्लास में कराते हैं वही प्रेफर करें या तो फिर वर्कशीट जो देते हैं स्कूल से वो प्रेफर करें। बट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप फुल मार्क्स प्रेफर करिए। तो ये देखिए ये जैसे कि मैंने अमेजोन से मंगाया हुआ, मैंने साइंस की है 8th स्टैंडर्ड की और सीबीएसई बोर्ड की है जो कि मैंने अमेजोन से मंगाया है। तो अमेजोन में जो है इसकी MRP 340 लिखी हुई है बट ये जो मुझे मिल गई है 242 की मिली है तो इसमें भी हमें अच्छा डिस्काउंट मिल गया है। और ये अभी जो एडिशन है ये मुझे जो मिला है 2023-24 का एडिशन मिला हुआ है। ये जो बुक है ये मैंने न्यू एडिशन ली है 2023-24 के लिए है तो इसमें जो भी है काफी एडिशन के साथ होगा। तो ये देखिए जैसे कि इसमें ये साइंस का है फुल मार्क्स करके है, फुल मार्क्स प्राइवेट लिमिटेड की ही बुक है। ये देख सकते हैं फर्स्ट लेसन जो कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है 8th स्टैंडर्ड में साइंस में। तो इसमें ये जो है पूरे लेसन का जो MCQs है वो निकाल कर और इसमें दिए हुए हैं इस तरीके से, ये देख सकते हैं। ये बुक्स बहुत ही हेल्पफुल होगी 8th, 9th और 10th के लिए मार्क्स स्कोर करने के लिए। मुझे भी एक्चुअली पता नहीं था लेकिन जैसे मैं गई मेरे बच्चे के क्लास में तो मुझे उनकी टीचर ने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जो कि मैं इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था। बट मुझे पता चला कि भाई हाँ ये बुक्स ऐसी होती है बच्चों के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये जो डिटेल है आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि आपको भी पता चले कि हाँ हमारा बच्चा अगर 8th में है तो जस्ट वो एकदम बॉर्डर लाइन पर आ गया 8th, 9th, 10th
मतलब ये बच्चा 3 साल मेहनत कर ले तो फिर उसके मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगा आप लोगों के साथ मुझे ये शेयर करना चाहिए बुक्स का डिटेल, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी है, बट लॉन्ग क्वेश्चंस उतना आपको मजा नहीं आएगा इस बुक से, तो स्कूल की बुक ही प्रिफर कीजिए। और जो दूसरी बुक मैंने मंगाई है 8th स्टैंडर्ड की CBSE बोर्ड की सोशल साइंस है, वो काफी वास्ट है, बच्चे थोड़ा वो बोर भी हो जाते हैं सोशल साइंस पढ़ने में। और जैसे कि सोशल साइंस में ट्विस्ट करना काफी आसान है और बच्चों को समझ पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो ये भी जो है MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफी अच्छी बुक्स है। ये भी मैंने Amazon से ही मंगाई है और 210 रुपीज की पड़ी है, मैंने न्यू एडिशन ली है 2023-24 की। और आपको ये भी बुक आपके यहाँ पे जहाँ भी आपको जैसे रीसेल में बुक मिलती है, काफी जगह पे ऐसे है, कम से कम हर एक जगह पे 5 से 6 शॉप्स है जहाँ हम सेकेंड हैंड बुक्स ले सकते हैं। और जैसे हम सेकेंड हैंड बुक्स लेते हैं तो हमें 60% में मिल जाती है, और जब हम उसे रिटर्न करेंगे तो हमें 40% वापस रिटर्न मिलता है। तो आप मेरे हिसाब से तो वो प्रिफर करना काफी अच्छा है, और वो जो बुक मिलती है वो भी काफी वेल मेंटेन रहती है, और हमें भी वेल मेंटेन रख कर ही देना होगा वो बुक्स ऐसा। तो ये भी जैसे मैंने बोला आपको, इसका जो प्राइस है 360 ही है साइंस सोशल साइंस का, बट मुझे जो मिला है 210 का मिला है, तो इसमें भी काफी अच्छा डिस्काउंट है। मैं ये दोनों बुक्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको ऑनलाइन लेना हो तो आप ले सकते हैं Amazon से, और नहीं तो आप प्रेफर कीजिए आपके लोकली किसी शॉप से। तो ये भी जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देख सकते हैं आप सोशल साइंस का है, थोड़ा आपको भी क्या आइडिया मिलेगा कि हाँ बच्चों के लिए लेना है नहीं लेना है ऐसे। ये देखिए इस टाइप से सब MCQs और शॉर्ट आंसर्स वगैरह है, इसमें हम प्रिफर कर सकते हैं। और ये खाली जो फुल मार्क्स की बुक्स है वो हमें 8th, 9th और 10th इसके लिए काफी अच्छा है, ये 3 स्टैंडर्ड के लिए। तो जैसे ही स्कूल खुले अपने बच्चों के लिए हम ले सकते हैं फुल मार्क्स की बुक। देखिए सोशल साइंस की है, मेरे बच्चे ने इसी में से पढ़ाई की थी और उसके पेपर्स काफी अच्छे गए हैं। अभी बच्चों की जो फर्स्ट टर्म की एग्जाम है वो आ गई है, तो आप भी अपने बच्चे को लेकर एटलीस्ट, ये क्या है जस्ट बुक लिया MCQs, तो वो कहीं भी बैठे तो हम लेकर बैठ के भैया पढ़ सकते कि भाई हाँ ये है ये है ये है इसमें ये होगा, मतलब क्वेश्चंस जो है वो काफी ट्विस्ट करके आएंगे, तो आपका बच्चा जो है वो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगा, वो प्रॉपरली आंसर दे सकता है। तो ये देखिए ये वीडियो मेरे हिसाब से तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, और आप भी ये बुक ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए। ये मोस्टली 8th और 9th के बच्चों के लिए ही है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हुए नई वीडियो के साथ, थैंक यू।